हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में मैं बात करनी है नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है। थोड़ा सा हिंट ले लो बस स्टार्टिंग में ही। देखो, मैनेजमेंट ना साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है, प्रोफेशन भी होता है। तीनों ही चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट में, बट कुछ पार्ट साइंस के हैं इसमें, टोटली आर्ट्स है ये, और कुछ हद तक ये प्रोफेशन भी है। बट कैसे कैसे उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल क्लियर कट तरीके से हैं, तो उसे देख लेते हैं ज़रा। पहले बुक की लैंग्वेज अभी ये क्या कह रही है, फिर बाद में हम केस स्टडी देखेंगे। केस स्टडी हो सकता है हम आज ना करें, पहले टॉपिक देखेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो दो लेक्चर जाएंगे, और दो लेक्चर कंप्लीट होने पर हम इसकी केस स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑथर्स रिगार्ड मैनेजमेंट एज अ साइंस बिकॉज देर आर वेल टेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंटेड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखो, सम ऑथर्स हैं, कुछ ऑथर्स हैं वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट को साइंस बताते हैं, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा टेस्टेड और एक्सपेरिमेंटेड होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं। अभी अगर आप एक चैप्टर पढ़ोगे नेक्स्ट वाला ही, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आप देखोगे कि वहाँ पर साइंस क्यों बताया गया है मैनेजमेंट को। ठीक है, सम ऑथर्स डिस्क्राइब मैनेजमेंट एज एन आर्ट बिकॉज मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट, एंड बाद में पढ़ेंगे इसे। कुछ ऑथर्स देखो डिस्क्राइब करते हैं इसे, वर्णन करते हैं इसका, मैनेजमेंट एक कला है, आर्ट है, क्योंकि मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड इन मैनेजमेंट। देखो, मैनेजमेंट में मोर प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी हम जाकर के परफेक्शन हासिल कर पाएंगे। एंड सम ऑथर्स कंसिडर दैट मैनेजमेंट इज गोइंग टूवर्ड्स द पाथ्स ऑफ प्रोफेशन। मतलब अभी प्रोफेशन नहीं है इसका नेचर, बट अभी ये उसके पाथ पर जा रहा है, मतलब उसके रास्ते पर जा रहा है, तो कुछ ऑथर्स का मानना ही है। तो इसमें तीन तरीके की हमें चीज़ मिली, साइंस भी मिला इसमें हमें, आर्ट भी मिला, और हमें इसमें पाथ ऑफ प्रोफेशन मिला। टू कंक्लूड, जो कंक्लूजन निकालने के लिए इसका, वेदर मैनेजमेंट इज साइंस आर्ट और प्रोफेशन, की मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है, वी मस्ट अंडरस्टैंड द फीचर्स एंड मीनिंग्स ऑफ साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन एंड कंपेयर दैम विद मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स। अच्छा, अभी ये सही पता लगाने के लिए हमें कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन है, उसके लिए हम समझते हैं वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा फीचर्स को और मैनेजमेंट फीचर्स और मीनिंग को, किसके, साइंस के, आर्ट और फीचर और आर्ट के मीनिंग और फीचर्स को, प्रोफेशन के भी फीचर और मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा, एंड कंपेयर करना पड़ेगा दैम उनको विद मैनेजमेंट मीनिंग एंड फीचर्स। हम उन तीनों के फीचर्स और मीनिंग को कंपेयर करने वाले हैं मैनेजमेंट के मीनिंग और फीचर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, देखेंगे क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। मैं अभी ये नहीं कह रहा आपसे कि मैनेजमेंट साइंस ही है, आप खुद देख कर बताना, फिर बाद में समझ जाओगे आप। साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है, ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी होती है, किस चीज़ की, नॉलेज की, जानकारी की, जो कि बेस्ड होता है किस पर, लॉजिकली ऑब्जर्व्ड फाइंडिंग्स पर। फाइंडिंग्स का मतलब होता है सर्च करना, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमने सर्च करी हुई होती हैं, ऑब्जर्व करी हुई होती हैं हमने, लॉजिकली बिल्कुल फैक्ट्स एंड इवेंट्स पर जो डिपेंड होती है, वो जो नॉलेज है उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज जब हम अरेंज करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी साइंस होती है। ठीक है, अब साइंस कॉम्प्राइजेज ऑफ एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स, बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, विच कैन बी वेरीफाइड एंड इट कैन इस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशंस। ठीक है, तो साइंस जो है कॉम्प्राइज करता है एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स को, जो कि वेरीफाई करते हैं, एंड इट कैन इस्टेब्लिश कोज का मतलब है कारण, एंड इफेक्ट रिलेशंस, ठीक है, वो एक दूसरे पर जो संबंधित होते हैं, मतलब प्रभाव डालता है, इफेक्ट का मतलब यहाँ पर यह है। तो देख लेते हैं साइंस का, तो मतलब आपको थोड़ा बहुत पता ही लग गया, वैसे हम कॉमर्स स्टूडेंट बेशक हूँ, बट हमने 10th तक पढ़ी है, साइंस क्या होती है हमें पता भी है। अब साइंस में ना आपको ही पता है लॉजिक होता है हर एक बात का, ठीक है ना, सिस्टमेटिकली हर एक चीज़ अरेंज होती है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है वो नॉलेज की। अब देखते हैं इसमें साइंस के मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इन साइंस, ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस। देखो, साइंस में क्या होता है, ऑर्गेनाइज एक सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, जो कि हम उसे यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ साइंस, ठीक है ना, जिसको हम विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं, उस स्टडी मटेरियल की बात हो रही है। लाइक साइंस, साइंस की तरह ही इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी, प्रबंधन में भी, ऑल्सो देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल। बिल्कुल साइंस की तरह ही मैनेजमेंट में भी क्या होती है, सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी होती है, ये पर्याप्तता होती है। तो सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो पहले पॉइंट को अगर हम देखें तो वो प्रेजेंट होता है हमें किस में, मैनेजमेंट में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि
मैनेजमेंट जो है वो साइंस भी है, लेकिन अभी दो पॉइंट इसमें और रह रहे हैं, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड में कह रहे हैं प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रिंसिपल किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल, किस चीज़ के प्रिंसिपल का यहाँ पर मतलब आपके प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही, सिद्धांत की बात हो रही है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हो रही है। देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। वो कह रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल जो होते हैं वो डेवलप्ड होते हैं हमारे थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करने के बाद में वो डेवलप करे जाते हैं, और बहुत टेस्ट करने के बाद में, रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हम उनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। फिर द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। इन्होंने यहाँ पर बोल दिया ये बात, अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कह रहे हैं द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो कह रहे हैं मैनेजमेंट भी जो प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही डेवलप करे जाते हैं। बट बहुत पॉइंट है इसमें, ये छोटे से बट में सारा माजरा है। बट साइंस मैने बट सिंस मैनेजमेंट डील विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। उन्होंने कहा है कि मैनेजमेंट जो होता है ना वो ह्यूमन बीइंग के साथ में डील करता है ह्यूमन बिहेवियर, और तुम्हें पता ही है हमारा जो बिहेवियर होता है वो एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता। मतलब उसके भविष्य में हम क्या करेंगे हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता, हमारी थिंकिंग जो है वो चेंज होती रहती है लगातार, तो इसीलिए हम उसका पता नहीं लगा सकते। कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड, एक्यूरेटली का मतलब होता है सही, प्रेडिक्टेड का मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है ना। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इनएग्जैक्ट साइंस, ठीक है, एग्जैक्ट साइंस नहीं बोला, इनएग्जैक्ट साइंस। तो मैनेजमेंट क्या है, इनएग्जैक्ट साइंस है। दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शली प्रेजेंट, पार्शली का मतलब आधा प्रेजेंट है आधा नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ साइंस का, तो यूनिवर्सली वैलिडिटी आ रही है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सली एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। देखो जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं और वैलिडिटी उनकी यूनिवर्सली होती है। मतलब कैसे कह रहा हूँ मैं, साइंस में कोई भी अगर कोई रूल है प्रिंसिपल है तो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ना रूल एप्लीकेबल हो रहा होगा, उसकी वैलिडिटी होती है। बट मैनेजमेंट की बात करें हम, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़रूरी नहीं है यूनिवर्सली एप्लीकेबल हों या वैलिडिटी उनकी हो, आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज़ इज़ नॉट यूनिवर्सल, ठीक है। उनका जो एप्लीकेशन है, मैनेजमेंट की बात हो रही है, मैनेजमेंट की जो प्रिंसिपल्स हैं और उनकी जो अप्लाइड करने के तरीके हैं वो हो सकता है यूनिवर्सली प्रयोग में ना आ रहे हों। दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, यानी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, हम उनको अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग डील कर लेते हैं, मॉडिफाइड उन्हें हम, यानी चेंज हम उन्हें करते हैं, हैव टू बी करने पड़ते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं हैव टू बी मॉडिफाइड, हमें चेंज करना पड़ता है। सो दिस फीचर ऑफ साइंस इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। देखा आपने, तो ये वाला फीचर इसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो एक होता है, दूसरा वाला आधा होता है आधा नहीं होता, और तीसरा वाला क्या है, इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता। कंक्लूजन क्या निकल करके आ रहा है साइंस के बारे में अगर बात करें, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड दैट वन फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट वेयर एज टू आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना। एक फीचर तो उसमें प्रेजेंट है बट दो जो बाकी के थे वो प्रेजेंट नहीं है। सो मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड प्योर और एग्जैक्ट साइंस, ठीक है, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं बोला जा सकता, बट लेकिन वी कैन कॉल इट एज एन इनएग्जैक्ट साइंस और सोशल साइंस, ठीक है। हम इसे क्या बोल सकते हैं, इनएग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस में इन्होंने तीनों चीज़ें बताई हैं, फीचर्स ऑफ साइंस विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, जो कि मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, एक पार्शली प्रेजेंट हैं और एक प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो वो तीनों चीज़ें आ गई। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो प्रेजेंट है। प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, वो प्रेजेंट आधा है यानी पार्शली प्रेजेंट है, अर्धनिर्मित कह रहे हैं, और यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब वो तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। तब भी कोई अगर पॉइंट रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कमेंट करना ना भूला करें, बिकॉज उसी से मुझे प्रेरणा मिलती है एक तरीके से कि हाँ मैं आगे वीडियोस बनाऊँ, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है उससे। अच्छा, मैं जो ये नोट्स यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये पूनम गांधी बुक के नोट्स हैं गाइज, और किसी के पास अगर बुक नहीं हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप बस मुझे लेक्चर लिख करके भेजो, टॉपिक लिख करके भेजो, मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उसकी बात करें तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी
एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। आर्ट तो आपको पता ही है, कला का नाम होता है आर्ट, और ये एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है किस चीज़ की, नॉलेज की, जो कि रिक्वायर होती है। उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिव माइंड होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए टू गेट परफेक्शन, यानी हमें बार बार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा परफेक्शन लाने के लिए, यानी कि परफेक्ट होने के लिए। द मेन फीचर ऑफ आर्ट आर, बात कर लेते हैं फीचर्स हैं, इसलिए यहाँ पर आर वर्ड का यूज हुआ है। खैर वो इंग्लिश की बात है, आगे बढ़ते हैं। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरिटिकल नॉलेज कह रहे हैं वो। इन एवरी आर्ट, किसी भी कला में देर इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थियोरिटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। देखो किसी भी आर्ट में क्या कह रहे हैं वो, एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल होता है जो कि अवेलेबल होता है टू एक्वायर थियोरिटिकल नॉलेज, जो कि हमारी थियोरिटिकल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए ज़रूरी होता है, रिक्वायर होता है। वो कह रहे हैं अवेलेबल टू एक्वायर, एक्वायर का मतलब एक तरीके से प्राप्त कर लेना, कब्जा कर लेना, ऑफ द आर्ट, कला की। फॉर एग्जाम्पल वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रागस आर अवेलेबल इन म्यूजिक। म्यूजिक अगर आपने थोड़ा बहुत सीखा हो या आपको इंटरेस्ट हो तो राग होते हैं, जैसे राग भैरवी हो गया, खांडवी हो गया, दरबारी राग हो गया, ये राग के नाम हैं सब गाइज। तो म्यूजिक में ना बहुत सारे राग होते हैं, उसकी एग्जाम्पल बता रहे हैं वो। वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट राग, अलग अलग राग पर बहुत सारी बुक बनी हुई हैं जो कि अवेलेबल होती हैं हमारे म्यूजिक में, संगीत में। अभी आगे पढ़ते हैं, कोई कंक्लूजन में हाथ नहीं लगा इस वाले पैराग्राफ से, आगे बढ़ते हैं। इन मैनेजमेंट ऑल्सो देर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरल स्टडीज। इन्होंने तो बोल ही दिया जी, बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट में भी, इन मैनेजमेंट ऑल्सो कह रहे हैं अभी, देर इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी, वहाँ भी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज बॉडी है नॉलेज जो कि अवेलेबल कराती है, विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरल स्टडीज, जो कि हमें मैनेजमेंट टाइप की जो स्टडीज हैं उनको एक्वायर करने में हमारी मदद करती हैं। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो ये वाला जो फीचर है आर्ट का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। इसका क्या मतलब है, इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज इज नॉट इनफ। देखो आर्ट के केस में अगर मैं बात करूँ, इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्ट के क्षेत्र में सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज जो होती है वो काफ़ी नहीं है। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज। वो कह रहे हैं हर एक कलाकार को, आर्टिस्ट को, उसके पास में अपनी एक पर्सनल स्किल होनी बहुत ज़रूरी है और क्रिएटिव माइंड बहुत ज़रूरी है होना टू अप्लाई दैट नॉलेज, उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ऑल म्यूजिशंस लर्न सेम राग। वो बता रहे हैं जितने भी संगीतकार होते हैं, सिंगर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो सेम राग सीखते हैं। लाइक आप सरगम की बात कर लो, सारे गामा पा जो होता है वो स्टार्टिंग में ही से करते हैं, बट दे अप्लाई दीज राग्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल स्किल्स। लेकिन वो जो उन्हें अप्लाई करते हैं वो अपनी पर्सनल स्किल्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, उसे प्रयोग में लाते हैं। एंड क्रिएटिविटी विच मेक्स देम डिफरेंट, जो उनको अलग बनाती है। देखो सीखा हुआ तो सबने वो सेम ही होता है, लेकिन अब कोई सिंगर है काफ़ी फेमस हो जाता है, बट कोई सिंगर है वो बिल्कुल भी नहीं चल पाता है, तो उनकी वो पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजर्स लर्न सेम, आगे बढ़ते हैं एक सेकेंड, सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। वो बता रहे हैं मैनेजमेंट में भी क्या होता है, हर एक बंदा जो मैनेजर होता है वो सेम ही चीज़ें सीखता है, बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड ऑन हाउ वेल दे यूज़ दीज प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी। लेकिन ये उसकी एफिशिएंसी पर निर्भर करता है कि वो उन चीज़ों को, उन प्रिंसिपल्स को अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में कैसे अप्लाई करता है अपनी पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। ये फीचर भी मैनेजमेंट में आपका प्रेजेंट होता है। हल्का सा आज मुझे ये ब्लर मार रहा है स्क्रीन, थोड़ा सा आज बस कोऑपरेट कर लेंगे, पता नहीं ये हो गया होगा थोड़ा सा फाइल में, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगा। साउंड में, वीडियो में बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की बात आ रही है। द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट। आर्टिस्ट को क्या ज़रूरत होती है, उसे ज़रूरत होती है कि वो आर्ट की, अपनी कला की बार बार प्रैक्टिस करता रहे टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट। परफेक्ट बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए उसे बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। इवन सबसे बढ़िया एग्जांपल ये है कि अब ज़रूरी नहीं है कि किसी भी आर्टिस्ट का कोई प्रोग्राम हुआ हो पिछले 4 महीने में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से किसी ने भी कोई प्रोग्राम नहीं कराया, तो उसने ना अपने घर पर बैठ के प्रैक्टिस ज़रूर करी होगी, वरना वो चीज़ों को भूलता हुआ चला जाएगा। उसकी वो अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो वो पहले जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज़ देयर परफेक्शन। बिना प्रैक्टिस के कलाकार जो होते हैं वो अपनी परफेक्शन को लूज़ कर देते हैं, खोना शुरू कर देते हैं। आर्ट रिक्वायर्स क्रिएटिव प्रैक्टिस, ठीक है, डेट इज़ आर्टिस्ट मस्ट ऐड हिज क्रिएटिविटी टू थियोरेटिकल नॉलेज।
यानी आर्टिस्ट को जो है ऐड करना चाहिए अपनी क्रिएटिविटी को, ऐड हिज क्रिएटिविटी टू द थियोरेटिकल नॉलेज, अपनी एक जो लिखित आप कह सकते हो बस एक जानकारी है कि भाई हाँ ये ऐसे होता है वो वैसे होता है, लेकिन उसे तरीका उसके पास ही होना चाहिए, उसे डील करने का, उसे प्रेजेंट करने का, थियोरेटिकल नॉलेज ही हैज़ लर्न, जो भी उसने सीखी हुई है, ठीक है। सेम वे विद एक्सपीरियंस मैनेजर्स ऑल्सो इम्प्रूव देयर मैनेजरल स्किल्स एंड एफिशिएंसी, बिल्कुल उसी ढंग से और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैनेजर्स क्या करते हैं, अपनी स्किल को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, देयर मैनेजरल स्किल्स एंड एफिशिएंसी, यानी अपनी स्थिरता को बढ़ाते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। सो दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ठीक है, ये फीचर भी मैनेजमेंट में प्रस्तुत होता है, प्रेजेंट होता है। कंक्लूजन की बात करते हैं, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट विद मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सारे के सारे फीचर, ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ध्यान है, ये सबसे पहली लाइन थी फर्स्ट लेक्चर की इस बुक की, कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, ठीक है ना, तो आर्ट है मैनेजमेंट पूरा का पूरा। अब बात आ रही है यहाँ पे कि मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट दोनों पॉइंट हैं, इसे फटाफट से पढ़ लेते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रोफेशन वाला जो सेक्शन है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और केस स्टडी भी हम तभी करेंगे। मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, ठीक है, मैनेजमेंट दोनों है, साइंस भी एज वेल एज आर्ट। लाइक साइंस इट हैज़ अ सिस्टमेटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, एंड लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू अप्लाई सच नॉलेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है, इन्होंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी। साइंस एंड आर्ट आर नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, बोथ एग्जिस्ट टुगेदर इन एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वही कह रहे हैं साइंस और आर्ट जो है अलग अलग नहीं है, आर नॉट इन कॉन्ट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के कोई अगेंस्ट में नहीं खड़े हुए, वो बोथ एग्जिस्ट टुगेदर, वो एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के हर एक फंक्शन में वो एक साथ खड़े हुए नजर आएंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे, एक एक फंक्शन पे एक एक चैप्टर है पूरा का पूरा, तो वहाँ पर उसे सीखेंगे हम। क्या कह रहे हो सर, एक एक फंक्शन पे एक एक चैप्टर, हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग अलग है, ऑर्गेनाइजिंग अलग है, डायरेक्टिंग अलग है, स्टाफिंग अलग है, हर एक पॉइंट पर, हर एक फंक्शन पर हर एक चैप्टर अलग बना हुआ है, क्योंकि इतनी ही ज़रूरी ये चीज़ें हैं। मैनेजमेंट इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट, इनका इन्होंने चार्ट बनाकर दिखाया हुआ है, ये इन्होंने सब इसके पॉइंट लिखे हुए हैं, आप लोग पॉज करके देख लेना इस चार्ट को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, लाइक और शेयर करना ना भूलें, थैंक्स, थैंक यू सो मच।